हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस कॉर्नर। राधे राधे। आज तो हम देवशयनी एकादशी के बारे में बात करने आई है। सभी को पता होंगे आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आते हैं। इसका एकादशी का व्रत कथा बताएंगे, आज हम विधि विधान सब बताएंगे। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार उस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का यह निवास 4 माह के लिए होता है, जिसे हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए हरि सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगत की सुरक्षा के लिए राक्षसों एवं दैत्यों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण किए। दैत्य शंखचूर का नाश करने के बाद भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं एवं 4 माह के अंतराल के बाद ही भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इन 4 माह तक कोई भी धार्मिक कार्य जैसे विवाह या अन्य कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहकर तपस्या यानी चतुर्मास करते हैं। इन दिनों केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में भूमंडल यानी पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। इसके पश्चात 4 माह के अंतराल बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर विष्णु भगवान का शयन समाप्त होता है तथा इस दिन को देव उठनी एकादशी का दिन होता है। तब विवाह भी आरंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी व्रत श्रेष्ठतम कहा गया है। इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी पापों का नाश होता है तथा भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। अभी हम देवशयनी एकादशी का व्रत कथा सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके संबंधित में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गया
अकाल से परिपीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानता था भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं? सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के 4 चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। यही है देवशयनी एकादशी का
व्रत कथा। अब हमें देवशयनी एकादशी का व्रत विधि बताएंगे आपको। सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु देवशयनी एकादशी की रात्रि से भगवान का शयन प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। यह दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में दान कार्य के बाद समाप्त तो होता है। दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रती को जौ, गेहूं और मूंग की दाल जैसे तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और इसके अतिरिक्त व्रत के दिन नमक युक्त भोजन भी नहीं किया जाता है। इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और हो सके तो जमीन पर ही सोएं। पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें। एकादशी तिथि का स्नान अगर किसी तीर्थ स्नान या पवित्र नदी में किया जाता है तो वह विशेष रूप से शुभ रहता है। किसी कारणवश अगर यह संभव न हो तो उपवासक इस दिन घर में ही स्नान कर सकता है। इस दिन अनेक परिवारों में महिलाएं पारिवारिक परंपरा अनुसार देवों को सुलाती है। इन चार महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। यही है देवशयनी एकादशी का व्रत कथा और विधि। सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।